जेल के अंदर रहने के उपरांत ही मेरे मोबाइल से नेट बैंकिंग चालू करके मेरा 15,12,000 रुपया स्टेट बैंक के अकाउंट से निकाल लिया गया। दूसरों को न्याय दिलाने वाले हैं, आप खुद न्याय की गुहार लेकर जनता दरबार के बाहर आए हैं, जबकि यहाँ पर आवेदन लेने के बाद की प्रक्रिया है कि आप अंदर जा सकते हैं, ये तो वकील साहब आप जानते हैं। ऑनलाइन किया हुआ है। जनता दरबार के बाहर एक से एक समस्याएं सुनने को मिलते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अभी एक भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनकी समस्याओं पर जब हमने सुनना शुरू किया तो हम हैरान हो गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी का हूँ। अच्छा, मैं वहाँ पर मैं वकालत करता हूँ। मेरा मुझे एक झूठे केस में 133 छतौनी में एक केस किया गया, मेरे ऊपर झूठा केस करके मुझे जेल भिजवाया गया। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के दिन मेरा मोबाइल मतलब प्राइवेट पर्सन के द्वारा छीना गया, पुलिस के सामने छीना गया। उसका CCTV कैमरा का मेरा पूरा सबूत है, मैंने उसको पुलिस को दिया कि ये मेरा मोबाइल छीना हुआ है। उसके बाद जब मैं जेल के अंदर था, जेल के अंदर रहने के उपरांत ही मेरे मोबाइल से नेट बैंकिंग चालू करके मेरा 15,12,000 रुपया स्टेट बैंक के अकाउंट से निकाल लिया गया। लेकिन मैंने उसकी सूचना 27/12/21 को छतौनी थाना में दिया, लेकिन मतलब कि अभी तक कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई है और ना मेरा पैसा रिकवरी कराया जा रहा है। बार बार मैं किस मामले में आप जेल चले गए थे? झगड़ा हुआ था पोस्ट ऑफिस के अंदर, क्या हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ था, मेरी पत्नी का देहांत हो गया था गंगाराम में ध्यान, तो मैंने 3 महीना वहाँ पर इलाज कराया था उनका। 3 महीना मेरा 80 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ। इलाज कराने के पश्चात भी वहीं पर हॉस्पिटल में ही उनकी मृत्यु हो गई। मतलब पूरा पैसा खर्च होने के बाद मेरे ससुराल के लोग हैं वो मतलब दबाव डालने लगे कि नहीं, आप जितनी अपनी जमीन है वो हम लोग को लिख दीजिए। जबरदस्ती वहाँ के वो बच्चे हैं, एक बेटा है मेरा, तो बेटे के नाम होगा ना सारा कुछ? नहीं नहीं, वो लोग अपने नाम से करवाना चाहते हैं। किसके साथ रहता है? जबरदस्ती लिखवाए वो लोग, जबरदस्ती उसको रखे हुए हैं, उसी के मतलब बल पर मेरा 3 कट्ठा जमीन जबरदस्ती लिखवा की मांग ना करके आप ये 15 लाख रुपए की मांग करने आए हैं। बेटा से प्यार मोहब्बत नहीं है? बेटा के लिए मैंने फैमिली कोर्ट में केस किया, फैमिली कोर्ट ने आपने यहाँ जनता दरबार में तो पूरी समस्याओं के निवारण के लिए इसमें बेटे का जिक्र नहीं किया है, 15 लाख रुपए का जिक्र है आपका? 15 लाख रुपया का मतलब कि बेटा के लिए फैमिली कोर्ट? आपने वही तो हम फैमिली कोर्ट में ना जाएंगे, जनता दरबार नहीं आएंगे? जनता दरबार में बेटा के लिए तो ऐसी नहीं करना, वहाँ पर मैंने ऐसी फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया इसको ले जाइए। कोर्ट का मामला है इसलिए जनता दरबार में नहीं आना चाहते? नहीं, कोर्ट का मामला फैमिली कोर्ट का मामला है वो। हाँ। फैमिली पारिवारिक मामला वो ऐसी है। हाँ। लेकिन ये तो मेरा ये जब जेल के अंदर है, किसी का पैसा पूरा अकाउंट से गायब कर दिया जाए, वो भी पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी होकर, ये छोटी बात तो नहीं है ना? और मेरा कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाया, कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। अधिवक्ता है फिर भी लाचार है? जी बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल लाचार है, पुलिस प्रशासन के सामने लाचार है, पुलिस प्रशासन पूरा उन लोग के मेल में है। आपका अधिवक्ताओं का एक संगठन भी होता है? जी जी होता है। उस संगठन आपके साथ नहीं आया? संगठन में कुछ लोगों को पैसा दे दिया गया, वो अब उनके केस की तरफ हो गए। आपके खिलाफ हो गए हैं तो फिर आप कैसे? मेरे खिलाफ नहीं है। हाँ। सब मेरे खिलाफ नहीं है, कुछ लोग हैं तो जो हैं उनके जगह पाल होता है ना, सब जगह दूसरों की लड़ाई लड़ने वाले, दूसरों को न्याय दिलाने वाले हैं, आप खुद न्याय की गुहार लेकर जनता दरबार के बाहर आए हैं, जबकि यहाँ पर आवेदन लेने के बाद की प्रक्रिया है कि आप अंदर जा सकते हैं, ये तो वकील साहब आप जानते हैं। ऑनलाइन किया हुआ है? अच्छा। मैंने ऑनलाइन किया हुआ है, इसके मतलब मैं 5-6 बार ऑनलाइन किया हुआ है इसके लिए, लेकिन मेरा अभी तक लाइन नहीं आया है, इसलिए मैं आया हूँ कि कम से कम कहीं मिल जाए रास्ता। आइए, यहाँ पर पुलिस महोदय भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोगों से क्या क्या सलाह मशवरा कर रहे हैं। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? सब ठीक। ये जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं देख रहा था काफी देर से कि आप इनके कागजातों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो क्या ऐसे ऑफलाइन भी कागजात अंदर जा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो फिर ये देखने का मतलब? देखने का मतलब इनको बता देते हैं कि बेचारा प्रोसेस ऑनलाइन किए कि नहीं। सहयोग? हाँ सहयोग, सहयोग। बस बस देखिए, ये मुस्तैदी के साथ अपने अपनी चीजों को निभा रहे हैं, और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी समस्याएं क्या है, देखिए वहाँ पर ये कंट्रोल नियंत्रण कक्ष वहाँ पर बनाया गया है, लेकिन वहाँ से ये चल करके पुलिस अधिकारी, इनकी तारीफ करना पड़ेगा हमें, दिल से हम इनकी तारीफ करते हैं कि परेशान लोगों को देख करके यहाँ तक आए। जनता दरबार देखिए, वहाँ पर जनता दरबार की पूरी प्रक्रियाएं निभाई जाती हैं और वहीं से होकर के पूरा सब कुछ इधर तक आता है, तो एक पुलिसकर्मी आकर के सबके कागजात को समझते हुए और क्या कुछ करना है कैसे करना है ये सलाह मशवरा दे करके उन्हें घर तक भेज रहे हैं। फिलहाल ऐसी सूचनाएं, ऐसी समस्याएं लेकर के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसको सुनने के बाद हमारे भी होश उड़ जा रहे हैं। देखने वाली बात है आगे आने वाले दिनों में इन समस्याओं से कब तक जनता को निजात मिल जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नमस्कार।